Welcome back guys to another episode of Tencel Note series. So today's video is too special for me and you also because today is the first day of AP Co tournament. So आज का इस tournament का पहला match शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि आज के इस match में कौन कौन से player participate करेंगे. So जो पहले player है वो है अवि और he has played over 10,000 matches. So इनसे उनका experience का पता चलता है. और जो दूसरा player है वो है देवा इंडिया और he is as good as अवि. So let's see Who will be the winner? कौन जीता है. लेकिन ये पहला सेशन होने वाला है, मतलब जो एक मैच होगा उनका तीन सेशन में मतलब डिसाइड किया जाएगा स्कोर. सो पहले मैच में किसी को भी गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक मैच हार गए तो यहाँ पर दो मैच है. लेकिन इनको पहले हम चीयर अप कर लेते हैं मैच के लिए. सो यहाँ पर दोनों को मुझे एक स्क्रीन में रखना पड़ेगा. सो यहाँ पर अभी देखते हैं, यहाँ पर देवा इंडिया ने अपना शुरुआत मतलब ओके. सो यहाँ पर दोनों के एक एक पॉइंट हुए. सो लेट्स सी, यहाँ पर अभी फिर से और एक स्कोर कर लिया है और अभी दूसरा स्कोर मतलब ट्रिपल किल हो चुका है अभी के ओर से. सो ओके, और एक स्कोर भी हो चुका है. सो यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छे लीड पर चल रहे हैं. सो कुछ कह नहीं सकते, देवा इंडिया अभी भी फॉर्म पर है और अभी को लाना पड़ेगा अभी हमें स्क्रीन पर. अभी अपना रोतड़ू इमोट दिखाकर बहुत ही ओके. सो कुछ कह नहीं सकते, शायद यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छे लीड पर चल रहे हैं. लेकिन देवा भी पीछे हटने वालों में से नहीं है. सो हम तो यहाँ पर नहीं खेलने वाले हैं क्योंकि हम एज ए रेफरी यहाँ पर काम करेंगे. सो यहाँ पर अभी फिर से एक स्कोर, अभी और एक दूसरा स्कोर करने के लिए. नहीं, यहाँ पर देवा ने स्कोर कर लिया है. सो यहाँ पर बहुत ही अच्छे टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं और सो यहाँ पर हम तो कुछ नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पर फिर से अवि ने बाजी मार ली है. सो यहाँ पर मतलब पहले मैच में तो अवि ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया मेरे हिसाब से. सो लेकिन देवा इंडिया को मतलब दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी दो मैचेस बचे हुए हैं यहाँ पर. और यहाँ पर लैगिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि तीनों प्लेयर्स इंडिया से कनेक्ट हुए हैं और टाल में भी इतना ज़्यादा अच्छा सिस्टम नहीं है कि आप अपने दोस्तों के साथ बिना प्रॉब्लम के खेल सकें. सो पहले मैच में अवि ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है यहाँ पर और लेकिन देवा को मतलब दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स सी, बढ़ते हैं अभी दूसरे मैच की तरफ. सो दूसरे मैच की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, आखिरी तक देखिएगा, आखिरी में आपको वो विनर बोर्ड मिल जाएगा. सो बढ़ते हैं. सो गाइस आ चुके हैं फिर से सेशन टू में और ये मैच टू होने वाला है. सो लेट्स सी हु विल बी द विनर. और पहले मैच में तो अवि ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया. सो यहाँ पर फिर से लड़ाई होने वाली है लेकिन यहाँ पर मशरूम मेकर और रेल का रैम्पेज देखने को हमें मिलेगा. सो यहाँ पर फिर से हमें हाँ यहाँ पर ओके. सो यहाँ पर अवि ने फिर से लीड ले चुके हैं अवि. सो यहाँ पर फिर से और एक किल, अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते. ओके, सो देवा भी यहाँ पर पीछे हटने मतलब हटने वालों में से नहीं है. सो कुछ कह नहीं सकते लेकिन फिर भी अभी बहुत ही अच्छे किल्स पर किल्स किए जा रहे हैं. सो हाँ गाइस, सो यहाँ पर फिर से ओ भाई साहब, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी खासी लीड बना चुके हैं अभी और लगभग अभी तक तीन किल्स ही सिर्फ कर पाए हैं देवा इंडिया 12 किल में से. सो कुछ कह नहीं सकते, शायद ये मैच भी अभी अपने हाथों से ले जाएंगे तो शायद देवा इंडिया को यहाँ पर बहुत ही बड़ी मतलब हार मिल सकती है. कुछ कह नहीं सकते, शायद तीसरे मैच में वो बहुत ही अच्छा कर पाए. सो यहाँ पर ओ भाई साहब, यहाँ पर फिर से सेल्फ डेथ हो चुका है हमारे देवा इंडिया का. सो हमें अभी उनके तरफ जाना पड़ेगा. सो यहाँ पर हाँ, सो चलते हैं ओके. सो दोनों को एक ही स्क्रीन में रखना तो मतलब थोड़ा मुश्किल है.
सो यहाँ पर ओ भाई साहब, फिर से देवा इंडिया को और एक डेथ मिल चुका है। सो यहाँ पर देवा इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर से यही लग रहा है कि यहाँ पर अच्छे खासे लीड पर अभी चल रहे हैं। सो यहाँ पर फिर से बिछड़ गए देवा इंडिया। सो दूसरा मैच भी अभी ख़त्म हो चुका है और अभी बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में थे। ओके सो बढ़ते हैं अभी तीसरे मैच की तरफ। सो यप गाइस, अभी आ चुके हैं हम फाइनल मैच में और यहाँ पर फिर से मतलब रेल और न्यूनीर का रैम्पेज दिखने वाला है। सो अभी कुछ कह नहीं सकते, शायद एक ऐसा मतलब कुछ तो नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस मैसिव स्कोर को देवा इंडिया कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं आज अभी। सो फिर से लेकिन देवा इंडिया दोनों के दोनों किल्स अपने, ओ भाई साहब, लगता है देवा इंडिया इस बार एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव लीड बनाने वाले हैं अभी के खिलाफ। सो यहाँ पर 5 किल में से 4 किल्स देवा के हो चुके हैं। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छे फॉर्म में दोनों चल रहे हैं। सो क्या अच्छा चल रहा है मैच अभी तक, और देवा इंडिया इस बार बहुत ही फॉर्म में है। सो यहाँ पर फिर से चीयर अप करने के लिए और एक इमोट। यहाँ पर सिर्फ हम ये देखेंगे कि इनका डोमिनेट मतलब असिस्ट अटैक और कील और इसके साथ उनका सेल्फ डेथ कितना होता है, इसके बाद ही इन तीनों को देख के इनका टोटल स्कोर डिसाइड किया जाएगा। और लेकिन यहाँ पर देवा इंडिया बहुत ही अच्छा फॉर्म में लग रहे हैं, शायद इस बार का मैच मतलब अभी अपने हाथ में ले जाएं। लेकिन फिर भी यहाँ पर देवा इंडिया बहुत ही अच्छे फॉर्म में। आई होप सो कि देवा इंडिया यहाँ अभी तो बहुत ही, अभी भी मुझे नहीं लगता कि देवा इंडिया इतने ज़्यादा स्कोर कर पाए कि अभी को हरा सके। सो अभी सिर्फ 10 सेकेंड बचे हुए हैं, शायद इन 10 सेकेंड्स में कुछ अच्छा हो जाए। ओके लेकिन देवा इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर मैच ख़त्म करने वाले हैं। सो बहुत ही अच्छा स्कोर था यहाँ पर और 0-28 भाई साहब, बहुत ही अच्छा मैच था। सो यहाँ पर आज का मैच खत्म होता है। सो आखिरी में देख लीजिएगा कौन जीता है।